अगर आप ताजमहल देखने के लिए जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ बातें ध्यान में रखना है और किधर किधर घूमना है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो आगरा जाओगे तो आप लोगों को ताजमहल देखने के लिए मिलेगा और आगरा का लाल किला, दिल्ली में भी लाल किला है और आगरा में भी लाल किला है, तो आप लोगों को आगरा का भी लाल किला देखने मिलेगा। ये जो आप लोगों को दुकान शो कर रहा है ये जो है आगरा का लेदर हाउस है, जो कि यहाँ पे जो है मीना बाज़ार से बोलते हैं। तो ये मीना बाज़ार में यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारा मीना बाज़ार आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो मीना बाज़ार में जो है काफ़ी सारा बेल्ट देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, लेदर का सामान देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो बोलते हैं कि यहाँ का जो जेल के कैदी हैं सब कैदी लोग बनाते हैं, यहाँ पे आप लोगों को बेल्ट भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेल्ट जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रेट आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हो बैग भी काफ़ी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, तो बैग का भी रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि जो है ऑटो वाले जो भी ऑटो आपको लेते जाएंगे उनका जो है कमीशन फिक्स रहता है, तो इसीलिए जो है रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बताएंगे। तो इधर जो है कुछ सामान ना ही लेना, क्योंकि आप मीना बाज़ार में कुछ लोगे तो आप जो है ठका ही जाओगे, उसका रेट जो है काफ़ी ज़्यादा होगा। इधर मैं काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद जो है दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने जो है ले लिया इधर से कम्बल ले लिया, जो कि जो है पतला सा कम्बल है। ये काफ़ी सारा बेडशीट की तरह मैं इसे यूज कर रहा हूँ। ये कम्बल जो है इतना पतला है कि कुछ कहने का नहीं। इन्होंने बताया कि केले के पत्ते से निर्माण हुआ इसका, लेकिन ये बेडशीट देखते हैं अब ठंडा लगता है या गर्मी लगता है, जो भी लगता है मैं आप लोगों को बताऊँगा।